हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यू योर फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस योर फर्स्ट पेपर पोएट्री। इन टुडे सेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस टर्जर राइमा। टर्जर राइमा, व्हाट इज टर्जर राइमा? इट इज अ फॉर्म ऑफ स्टैंजा। देयर आर फोर फॉर्म्स ऑफ स्टैंजा इन योर सिलेबस। इन प्रीवियस क्लास आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब यू द हीरोइक कपलेट। आफ्टर इट आपका मैंने बताया था आपको स्पेंसरियन स्टैंजा एंड ब्लैंक वर्ड्स। नाउ द लास्ट एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ पोएट्री, फॉर्म ऑफ स्टैंजा, टर्जर राइमा। व्हाट इज टर्जर राइमा? हु ओरिजिनेटेड इट? ये आपका टर्जर राइमा क्या होता है, ये कहाँ से आया है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है? देखिए, आपका ये जो टर्जर राइमा है, टर्जर राइमा वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लिश लिटरेचर बाय जियोफ्री चौसर फॉर हिज कंप्लेंट्स टू हिज लेडी एंड द ग्रेट इटालियन पोइट दंते इज नोन एज इन्वेंटर ऑफ दिस फॉर्म। टर्जर राइमा इज यूज्ड इन इंग्लिश लिटरेचर ऑफ मिल्टन, बैरन, वर्ड्सवर्थ, पी बी सैली एंड थॉमस हार्डी आल्सो। पी बी सैली इज द ओड टू द वेस्ट विंड। इट वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द टर्जर राइमा। मैं आपको जो ये पी बी सैली का ओड टू द वेस्ट विंड है, मैं इसका एग्जाम्पल आपको दूंगी अभी आगे इसी क्लास में। इस पोएम के थ्रू मैं आपको इसको समझाऊंगी किस तरह से इसकी जो इसकी स्कीम होती है, राइमिंग स्कीम इंटरलिंकिंग होती है, उसके बारे में मैं बताऊंगी। टर्जर राइमा इज अ थ्री लाइन स्टैंजा यूजिंग चेन राइमिंग इन द पैटर्न ऑफ ए बी ए, बी सी बी, सी डी सी, और अगर इसको हम कंटिन्यू करते हैं तो डी ई डी, ई एफ ई एंड सो ऑन। जितनी लाइंस की चाहे उतनी लाइंस की बन सकती है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन इसमें थ्री लाइन का ही स्टैंजा होता है, दैट इज़ कॉल्ड द टर्जर राइमा। चलिए ओके, देखते हैं आज के क्लास में टर्जर राइमा के बारे में। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए बेटा, टर्जर राइमा क्या होता है? इट इज़ अ पोएम दैट यूजेज एन इंटरलॉकिंग राइम स्कीम लाइक अ चेन और वाटरफॉल इफेक्ट। इसका मैं एग्जाम्पल देकर आपको बताऊँगी। वाइल्ड वेस्ट विंड जो पी बी सैली का बहुत फेमस एग्जाम्पल है, अभी मैं लास्ट में इसका एग्जाम्पल दूंगी। ईच सेक्शन ऑफ द पोएम इज ब्रोकन अप इंटू थ्री लाइन्स। जो इसकी हर स्टैंजा होता है वो थ्री लाइन का होता है। ईच सेट यूजेस द राइम साउंड फ्रॉम द प्रीवियस सेट। जो प्रत्येक उसका जो स्टैंजा का जो एक राइम साउंड होता है वो पहले वाले से मिलता है। जैसे ए बी ए, देखिए बी है वो बी सी बी, अब ये इससे राइम मिल रहा है, इसका मैं आगे एग्जांपल देख के आपको बताऊंगी। सी डी सी उसी तरह से इन द सेम मैनर एक्सेट्रा। चलिए आइए देखते हैं। टर्जर राइमा फर्स्टली इन्वेंटेड बाय डंते एलिगरी टू स्ट्रक्चर हिज पोएम द डिवाइन कॉमेडी कंपोज्ड ऑफ टेरेक्स वोवेन इन टू अ राइम स्कीम, जो मैंने अभी आपको बता दी है। रिक्वायर्स द एंड राइम ऑफ द सेकेंड लाइन इन वन टिरसेट टू सप्लाई द राइम फॉर द फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोविंग द टिरसेट। राइम स्कीम आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ए बी ए, बी सी बी, सी डी सी, डी ई डी कंटिन्यूज थ्रू द फाइनल स्टैंजा और लाइन। दंते चोज टू एंड ईच कैंटो ऑफ द डिवाइन कॉमेडी विच विथ अ सिंगल लाइन दैट कंप्लीट्स द राइम स्कीम विद द एंड वर्ड ऑफ द सेकेंड ऑफ द प्रीसेडिंग टर्सेट। टिपिकली रिटन इन आइम्बिक लाइन। देखिए आइम्बिक क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। एम्बिक आपका होता है स्ट्रेस सिलेबस इज फॉलोड, सॉरी अनस्ट्रेस सिलेबस इज फॉलोड बाय द स्ट्रेस सिलेबस, दैट इज कॉल्ड द एम्बिक। एंड व्हाट इज पेंटामीटर? पेंटामीटर मींस 5 feet। एंड नाउ देयर इज अ वन मोर क्वेश्चन, व्हाट इज फिट? अ पेयर ऑफ टू सिलेबस इज कॉल्ड फिट, मतलब 5 feet 5 pair मींस 10 syllables ऑफ एन देखिए दिया हुआ है इसमें ऑफ एन अनस्ट्रेस सिलेबस फॉलोड बाई एन
स्ट्रेस लेवल्स 1. इफ अनदर लाइन लेंथ इज चोजन, ईच लाइन मस्ट बी द सेम लेंथ. नो लिमिट टू हाउ मैनी लाइन्स इन टेर्जा राइमा पोएम मे हैव. देखिए ये जो आपकी पोयम है, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, दो ब्रीद अटमन बींग. ये देखिए इसकी जो राइमिंग स्कीम बन रही है वो बन रही ए बी ए बींग फ्लिंग. तो ये ए बी ए आपकी राइमिंग स्कीम बन रही, तो बींग और फ्लिंग कि जो ये राइम है वो मैच कर रही. इसके बाद आप देखिए सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड आप देखिएगा स्लेबर्स रेड, डेड रेड. ये इसकी जो राइम स्कीम है ये इससे मैच कर रही है. ओके, इस तरह से जो ये इंटरलिंकिंग इसको कहते हैं उसकी सेकेंड फर्स्ट थर्ड सेकेंड फोर्थ इस तरह से लाइन जब मैच करती है इंटरलिंकिंग होती है, टेर्जा राइमा का ये फॉर्मेट होता है. ये ओ वाइल्ड वेस्ट विंड पी बी सैली को क्रेडिट जाता है जो कि इंग्लैंड में इन्होंने ही पॉपुलर किया था टेर्जा राइमा को सबसे पहले लाकर. उसके बाद रॉबर्ट ब्राउनिंग ने भी इस पर काफ़ी वर्क किया था, इस हिसाब से ये आपकी इंग्लैंड में पॉपुलर हुआ था टेर्जा राइमा. ये एक फॉर्म ऑफ पोइट्री है कि स्टेंजा फॉर्म है कि किस तरह से इसमें लिखा जाता है. जिस तरह से आपके क्वाट्रेन में फोर लाइंस का होता है उसी तरह से इसमें टेरासेट होता है. टेरासेट का मतलब होता है थ्री लाइंस होती है टेर्जा राइमा में, और आपका कपलेट में टू लाइंस होती हैं. इन सब चीज़ों का इनका मीटर कैसे चलता है वो मीटर भी मैं आपको समझा चुकी हूँ प्रीवियस क्लास में. तो इसमें मैंने आपको टेर्जा राइमा बता दिया, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, किसके थ्रू हुआ, डिवाइन के थ्रू, डिवाइन कॉमेडी जो थी डंटे ने लिखी थी सबसे पहले उसके माध्यम से हुआ है. ओके, और ये इंग्लैंड में इसको कौन क्रेडिट किसको जाता है पॉपुलर बनाने का, इंग्लैंड में क्रेडिट जाता है पी बी सैली का. पी बी सैली के बाद रॉबर्ट ब्राउनिंग ने भी इस फील्ड में काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है. देन इसकी राइमिंग स्कीम क्या है वो भी मैंने आपको बता दी, ए बी ए बी सी बी और आपका सी डी सी डी ई डी, इस तरह से इसकी राइमिंग स्कीम बनती जाती है. और इसके बाद इसकी इंटरलिंकिंग क्या होती है वो भी मैंने आपको बता दी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इस तरह से इंटरलिंकिंग चलती रहती है. ओके, आई होप आप लोगों को टेर्जा राइमा समझ में आ गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.